हम लोग क्या देखने जा रहे हैं आज मॉड्यूल मॉड्यूल इन पाइथन सो मॉड्यूल क्या होता है सबसे पहले मैं यहाँ पे दो फाइल बना लेता हूँ एक का फाइल मैं दे देता हूँ एक का नाम दे देता हूं मैं एबीसी डॉट पाई ओके और एक का नाम मैं दे देता हूं एक्स वाई जेड डॉट पाई मैं दो फाइल बना लेता हूँ ठीक है चलो अभी दो फाइल से मतलब नहीं है सिर्फ पहले फाइल की बात करता हूँ सो पाइथन मॉड्यूल क्या होता है मैं अगर डेफिनेशन लिखूं So <clears throat> Python module is a collection of classes, functions, doc string, doc string, statements, etc. So, कोई भी पाइथन फाइल ठीक है जिसमें क्लासेस हो या फंक्शन हो या हम क्या बोलेंगे पाइथन मॉड्यूल बोलेंगे जैसे मैंने अभी ये फाइल बनाया है एबीसी डॉट पाई बेसिकली एक मॉड्यूल है तो अभी इस मॉड्यूल में कुछ भी नहीं है जैसे मैं सिंपल एक स्टेटमेंट लिख देता हूं जैसे <coughs> print, uh, और मैं एक मैसेज लिख देता हूं आई एम मॉड्यूल ए बी सी ठीक है और अगर इस फाइल को मैं रन करूंगा अगर इस फाइल को मैं रन करता हूं, कंट्रोल एस और रन कैसे करेंगे पाइथन थ्री एबीसी डॉट पाई एंटर देखो आई एम मॉड्यूल ए बी सी अब मॉड्यूल की खासियत क्या है कि एक मॉड्यूल को हम किसी भी दूसरे मॉड्यूल में इंपोर्ट कर सकते हैं तो जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक और फाइल बनाया है एक्स वाई जेड डॉट पाई ये भी अपने आप एक मॉड्यूल है अभी इसके ब्लैंक मॉड्यूल है मैंने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है हम चाहे तो इस मॉड्यूल में एबीसी डॉट पाई मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर सकते हैं कैसे इंपोर्ट करने के लिए हम लिखेंगे इम्पोर्ट उस मॉड्यूल का नाम क्या है जिसको इम्पोर्ट करना है एबीसी एबीसी सिंपल ठीक है अब देखो अगर मैं इस मॉड्यूल को अब रन करूंगा एक्स वाई जेड डॉट पाई को तो क्या होगा देखना उटपुट से बी सी तो बेसिकली इस लाइन में हो क्या आ रहा है ना मैं एबीसी मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर रहा हूं तो कंप्यूटर जा रहा है और एबीसी मॉड्यूल को पूरा एक्सिक्यूट कर दे रहा है जैसे हम यहाँ पाइथन थ्री एबीसी डॉट पाई लिख के एग्जीक्यूट कर दे रहे थे इसीलिए आउटपुट जनरेट हो रहा है अब मान लो तुम एक्स वाई जेड मॉड्यूल में कुछ अपना स्टेटमेंट लिख दे रहे हो जैसे प्रिंट आई एम मॉड्यूल एक्सवाई जेड अब अगर इस मॉड्यूल को हम रन करें तो पहला लाइन कौन से होगा? ABC. मतलब ABC को इंपोर्ट कर रहे हैं तो एबीसी मॉड्यूल फ्रॉम मॉड्यूल ए बीसी फिर अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी इस मॉड्यूल का और आउटपुट आएगा आई एम मॉड्यूल एक्स वाई जेड सो देखो रन कर आई एम मॉड्यूल एक्स वाई जेड और ए बी सी दोनों आ गया ठीक तो ये दोनों हमारे मॉड्यूल हैं और एक मॉड्यूल में फंक्शंस हो सकते हैं क्लासेस हो सकते हैं स्टेटमेंट हो सकता है डॉक स्ट्रिंग हो सकता है तो अभी जो मैंने प्रिंट लिखा है स्टेटमेंट है ये क्या है हमारा स्टेटमेंट ठीक है इसी तरीके से मॉड्यूल के अंदर डॉक स्ट्रिंग भी हो सकता है डॉक स्ट्रिंग क्या होता है तो बता चुका हूं जो ट्रिपल कोटेशन में हम लिखते हैं उसी को हम डॉक स्ट्रिंग बोले या कमेंट जो बोल लो ट्रिपल कोटेशन में हम जो भी लिखेंगे जैसे दिस hey, इज डॉक स्ट्रिंग ठीक है डॉक स्ट्रिंग हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है कल ही मैंने तुम्हें बताया था फंक्शन के बारे में तो चलो मैं एक फंक्शन बनाता हूं डेफ एड और ये फंक्शन दो नंबर एक्सेप्ट करता है ए कॉमा बी और ये क्या करता है फंक्शन दोनों का सम रिटर्न कर देता है सो रिटर्न ए प्लस बी फंक्शन भी हो गया उसी तरह चाहे तो इस मॉड्यूल में हम क्लास भी बना सकते हैं तो क्लास कैसे बनाते हैं पाइथन में आगे शायद इलेवेंथ में टॉपिक नहीं है ट्वेल्थ में है तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा तो क्लास का नाम सपोज मैंने दे दिया ए बी सी डी ठीक है और कॉलन और अभी इस क्लास के अंदर कुछ मैं नहीं लिख रहा हूँ सिर्फ पास लिख दे रहा हूँ पास हम क्यों लिखते हैं अगर क्लास में मैं कुछ भी नहीं लिखना है तो हम पास लिख देते हैं मतलब हम इंटरप्रेटर को बता रहे हैं कि भाई अभी ये क्लास कुछ नहीं कर रहा है बस मैंने फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है So, इस पे तुम मत देना, ध्यान देना कि क्लास क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे ठीक तो अभी देखो मैंने चारों चीज मॉड्यूल में डिफाइन कर रखा है स्टेटमेंट भी है हमारा डॉक स्ट्रिंग भी है ठीक है और फिर हमारा फंक्शन भी है मैं कमेंट में लिख दे रहा हूँ फंक्शन फिर हमारा क्लास भी है मैं कमेंट में लिख दे रहा हूँ क्लास ठीक है अब देखो अगर इस एबीसी को मैंने इंपोर्ट किया है ना एक्स वाई जेड में तो होगा क्या जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा इम्पोर्ट एबीसी जब हम इस फाइल को इस मॉड्यूल को रन करेंगे तो इस लाइन से आउटपुट आ जाएगा आई एम मॉड्यूल एबीसी डॉक स्ट्रिंग से तो कुछ आउटपुट आएगा नहीं फंक्शन से भी कुछ आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि इसको कहीं हमने कॉल नहीं किया है और अभी क्लास से भी कोई आउटपुट नहीं आएगा सो so, देखो मैं इसको रन करता हूं एंटर आई एम मॉड्यूल एबीसी जो कि एबीसी मॉड्यूल से आउटपुट आ रहा है और दूसरा प्रिंट आई एम मॉड्यूल एक्स वाई जेड वो आउटपुट दूसरा आ रहा है ठीक है अब अगर हम चाहे तो एबीसी मॉड्यूल का जो फंक्शन था हम उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक्स वाई जेड मॉड्यूल में कैसे हम सिंपल लिखेंगे एबीसी डॉट अब देखो डॉट के बाद उसमें जितने भी हमारे ऑप्शन थे उस मॉड्यूल में सब दे दिया एड नाम का फंक्शन था ना देखो एड दे दिया एंटर अब इसमें पैरामीटर था तो दो वैल्यू पास करना होगा मान लो मैं टेन ट्वेंटी को एड करना है

अच्छा मान लो उसी तरीके से अब मैं एक और यहाँ पे मॉड्यूल बना ले रहा हूँ न्यू फाइल और मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ एक और मैं यहाँ मॉड्यूल बनाता हूं file, और इसका नाम मैं दे दे रहा हूं, अब अगर हम मान लो मैंने इसमें इंपोर्ट कर लिया इंपोर्ट एक्स वाई जेड मैंने एक्स वाई जेड मॉड्यूल को इंपोर्ट किया तो अब इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा तो सबसे पहले चलो मैं इसमें लिख देता हूं फ्रेंट आई एम फ्रॉम मॉड्यूल और मैं देता हूं एम एन एफ ठीक है तो अगर इस मॉड्यूल को हम रन करेंगे तो आउटपुट देखना क्या आएगा ठीक है और यहां मैं देता हूं एम एन एफ डॉट पाइ देखो आई सबसे पहला आउटपुट आया आई एम मॉड्यूल एबीसी दूसरा आया आई एम मॉड्यूल एक्स वाई जेड

आउटपुट वही आया है आई एम मॉड्यूल एबीसी फिर अब इस मॉड्यूल में तो कुछ ऐसा है नहीं जिससे आउटपुट जनरेट हो, तो वापस इससे ठीक जो मॉड्यूल किया तो तो फंक्शन हमारा कॉल हो गया एबीसी का तो फंक्शन कॉल होगा टेन ट्वेंटी को एड करने के बाद उसके रिजल्ट थर्टी फिर ए, प्रिंट कर दिया अब वापस कहां से स्टार्ट हुआ था? MNF से, MNF में आ गया अब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा आई एम फ्रॉम मॉड्यूल एम एन एफ तो सिंपल ये होता है हमारा मॉड्यूल कोई भी एक पाइथन स्क्रिप्ट पाइथन फाइल तो हम नॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं मॉड्यूल अ मॉड्यूल इज ए पाइथन फाइल विच कंटेन इधर फंक्शन क्लासेस और स्टेटमेंट और डॉक्सरिंग लाइक दैट ओके सो आई होप मॉड्यूल का कंसेप्ट उनको बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गया होगा